आसिया संपूर्ण खबर को सुंदरगढ़ जिला तलसरा थाना तुमुलिया पेट्रोल पंप रु लुट छुरामाड़ करी दुर्वृत्त लुटी नेले लक्षाधिक टंका बाइक रे तीन जन लुटेरा आसी छुरामाड़ करी लुटी नेइछंते टंका पेट्रोल पंप मालिक देवप्रसाद नंद एवं पत्नी सुषमा नंद को आक्रमण करी टंका लुट करिछंती लुटेरा माने देवप्रसाद को पेट मुंड हाथ में छुरामाड़ होता बेले सुषमा बेकर चेन टाणी ने सहित तो मुंड में माड़ मारी पुलिस घटनास्थल में पहुंच तदंत तो आरंभ करने सहित तो पेट्रोल पंप सीसीटीवी को जांच कर सारापुर मत इंजोर्ड कर सारापुर से रूम भितर को पशिगले अफिस् को तीन जन लोक थे गोटे कला पल्सर टाइप बाइकटा से आसते मते पछ आड़ू धरी देते तो मुझे किसी प्रोटेस्ट करें चाकू गोटे लगे चाकूटा मुझे धरला बेलू मो आंगुठीटा कटिगला आपर मुंडे कि गोटे भारी जिनस मुंडे बाड़ेदे कैश काउंटर केते थिला एग्जाक्ट हिसाब कले जना पड़ो आम तो जाइनु सेपर्यंत तथापि मो जी आज सेल हिसाब से बलांगीर जिला कंटाबांजी सहर नाबालक ललित जैन हत्या मामलें दुई अभियुक्त विकास अग्रवाल एवं विलास अग्रवाल जमीन नामंजूर होगापर बड़ भाई अशोक अग्रवाल विष पी आत्महत्या उद्यम कर दुई भाई को जमीन न मिलबारु मानसिक चापरे थिले अशोक आउ आज सकाळु विष पी आत्महत्या उद्यम करथिले अशोक को गुरुतर अवस्था रे बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज रे भर्ती करा जायछि अशोक कीटनाशक पी गुरुतर थिबा परिवार लोके कहिछन्ते कंटाबांजी पुलिस एने अधिक तदंत चालू रखिछि केन्दुझर स्त्री हत्या पाई स्वामी सुपारी देवा घटन नुआ मोड़ सुनीता दुष्कर्म पर हत्या करा जाए थाए पारे बोली अभियोग आनी संपर्क मामलें दुई जन को गिरफ्त करा बेले सुनीता मृत्यु किभली है ताहा शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसीबा परे ही स्पष्ट होती सदर एसडीपीओ तेबे सुनीता हत्या घटन स्वामी सुरेश परिडा सुपारी किलर साहाज्य नहीं तदंतरु स्पष्ट होइछि सुनीता गत तीन तारिखर निखोज होता बेले मृतदेह अठर तारिखर मलदा नदी मिली पुलिस पूर्व अभियुक्त स्वामी को नहीं घटनास्थल में सीन रिक्रिएसन करे आज पुणि थर अभियुक्त मानी क्राइम सीन रिक्रिएसन कर सुनीता गत तीन तारिखर निखोज थी बेले अठर तारिख मृतदेह हत्या होता घटनास्थल मात्र तीन किलोमीटर दूर में मिली हेले मृतदेह मिलबार दुई किंबा तीन दिन पूर्व सन्देह परिवार लोके पुलिस को कहते तेणु निखोज थिबा सुनीता एते दिन धरी केउटी थिले सेने प्रश्नवाची सृष्टि होइछे जना पड़ा से कमी कौन मारा कमी कौन गला सब डेमो देखेला ता भितरे से कहवा अनुसार सहित आज पांच चार जन संप्रत अच्छा आम दावी करम भौणी कमी न्याय पाओ जमी से मो भी की हत्या करमी से भी फाँसी हवा दरकार जड़े मर्डर कला दु तारीख दिन तीन टा बेल जो मर्डर कला कादकड़ा खंडाधर बुली जावा कही जहाँ को लेकिन हत्या करगला तीन तारीख रु पंद्रह दिन भितर डेड बडी नदी पा बर्षार बढ़ी तो जदि नदी पा से फिंगी दि जाए फिंगी दिगला तेल से तीन किलोमीटर केमती मिलला ये असंभव ही थी पे आमको डाउट अच्छी से प्रथम किडनाप करके रेप कराई रेप कलापर ताकि मर्डर कराई अठर तारीख रात जो डेडबडीटा मिली जोटा आप यूडी केस होता नयागढ़ तेणु तापर इनभेस्टिगेसन चली पीएम रिपोर्ट आसो जमापड़ तदंत पर ही जमापड़ कौन है कौन ना एपर्तंत जहाँ दु जन को आम आरेस्ट करम अख्तिर अच्छा अन्न्य अच्छा आम बहुत शीघ्र धरवू और इनभेस्टिगेसन चली कलाहांडी जिलार गड़जात अंचल एवं पुरुणा जमीदारी अंचल आज पालित होइछि गणपर्व नुआखाई समग्र पश्चिम ओडिशा रे भाद्रव शुक्लपक्ष पंचमी तिथि नुआखाई पालन होता बेले कलाहांडी जिले में किंतु पर्यायक्रमे पालन हुए ही महान पर्व सप्तपुरी अमावास्या ठारु ए पर्व आरंभ होता बेले दशहरा विजया दशमी दिन ए पर्व पालन समाप्ति घटे आई अवसर आज पालन होइछि जिलार तृतीय पर्याय नुआखाई कलाहांडी जिला धर्मगढ़ उपखंड में गत 20 तारीख पंचमी तिथि धूमधाम रे पालित होइथिला गणपर्व नुआखाई रविवार अर्थात दशमी तिथि भवानीपाटणा सहर समेत गड़जात अंचल रे पालित होइछि तिहार
मदनपुर रामपुर लांजीगढ़ जयपाटना करलापाट थुआमल रामपुर प्रभृति अंचल धूमधाम पालित हो नुआखाई सकाळ 6टा 8:50 मध्ये अधिष्ठात्री देवी माँ माणिकेश्वरी पीठ से नवान्न लागि होइथिला परे माँ प्रसाद को निज निज घर को नहीं जाइथिले घरे प्रस्तुत होइथिबा नवान्न रे माँ प्रसाद को मिसाई अपराह्न गोटाएर 3टा मध्ये नवान्न खाइथिले बहुत उत्साहित अच्छा सहरवासी भवानीपाटना सहर लांजीगढ़ थुआमु रामपुर आम समस्त पाखाख जिते आग तिथि 20 तारीख में पंचमी तिथि पैलपार एरिया खाइले आज भवानीपाटना नवान्न भक्षण है बहुत आरसा पिठा है काकरा पिठा है बहुत रसमालपुआ है पश्चिम ओडावासी नुआखाई गोटे गणपर्व बहुत उत्साह पर्व पर्व यहीटा को सब पश्चिम ओडावासी जगे रही केमें नुआ खामा आर यार बहुत मूल्य हो प्रकृति वंदना एवं नुआ चाषी मैंने नुआ धान नुआ शस्य खाई से वर्ष जाक केमी खुशी रे भाईचार संबंध सृष्टि हे नुआखाई रे घरे समस्ते एकाठी होइथिले दूर दूरांतरु लोके आसी घरे पहुंची तिहार को एकाठी पालन करिछंती घरे पिठापणा सह भोजी भातर आसर जमिथिला सेपरि नुआखाई सारिबा परे जुहार भेट होइथिला सान माने बड़ मानकु मुंडिया मारी जुहार होइथिबा बेले बड़ माने भी आशीर्वाद देइथिले खुशी रो आनंद रो उल्लास रो पालन करिबा कथा नुआखाई होउछि पश्चिम ओडिशार गणपर्व घरे घरे प्रति परिवार रे नुआ खिया जाए और साधारणतः गणेश चतुर्थी रो परदिन पंचमी दिन ही पश्चिमांचल रे सर्वत्र नुआ खिया जाए किंतु मुख्यतः आमर एठी डोकरी माँ पर पूजा हुए जयपटना रे मदनपुर रामपुर रे आउ सही भली माँ माणिकेश्वरी पूजा हुए थामुल रामपुर रे बहुत खुशी अछु आमे माँ के दर्शन करना भी बहुत खुशी लगुचे घरे आज पिठा पणा सब बेस अच्छे रात सांस्कृतिक नुआखाई भेटघाट पुणी अच्छी आम बहुत उत्साहित बहुत आनंदित बहुत खुशी अच्छू जेहेतु पश्चिम ओडिशा गोटे महान गणपर्व खुशीभित्तिक गणपर्व आज आम नुआ खाइला जेन मैंने भी आम देश विदेश बाहर समस्त आसुचन समस्ते मिसिकी आम एकत्रित नुआ खाई नुआ खाइला आम समस्त घर वयोज्येष्ठ मैं जुआर मुड़िया मारिकर आशीर्वाद नहींकर नुआखाई एमती एक पर्व जहाँ कि बर्षा सारा पश्चिम ओडिशार प्रति मनीष अपेक्षा कर रही था जाति धर्म वर्ण धनी गरीब निर्विशेष समस्ते एकाकार हो भाईचारा बांटि था भवानीपाटणु अंशुमान पात्र न्यूज 18 ओडिया सुवर्णपुर जिला उलुंडा रेंज अंचल रे बाघ आतंक महानदी घाट जंगल में बाघ बुलुवा वीडियो वायरल होगा पर लोकों मध्य भयर वातावरण खबर पाई वन विभाग घटनास्थल में पहुंची पाद चिन्ह ठाब कर लोकों जंगल को जीवाक बारण कर सुवर्णपुर जिला उलुंडा रेंज चढ़ेपंक जंगल रे बाघ क्यमेरा कैद है महानदी घाट जंगल में बाघ बुलुवा चित्र सकाल समय बाघटी बुलुवा बेले किसी लोक देखिते बाघ बुलुवा चित्र निज मोबाइल क्यमेरा कैद करते बाघ को नहीं लोकों मध्य भयर वातावरण खेली जा प्रतिदिन लोके धान बिल को जाऊ को नहीं भयभीत थिबा कहिछन्ति पाद चिन्ह बर्तमान सुधा तो आम लुकआउट करपर डिपार्टमेंट समस्त आम जेन गार्ड फरेस्ट लोकाल सब जगह गैदरिंग समस्त को बिनका तथा आम उलुंडा रेंजर सब फरेस्ट डिपार्टमेंट करती कौन प्रकार लोकों क्षय क्षति नहीं होगा कौन भयभीत केमती नहीं होगी ना आम बाघर कौन प्रकार जमी क्षय क्षति नहीं होगा कि लोकों किसी नहीं होगा से प्रति दृष्टि देवार लगे चेष्टा जारी रख खबर पाई वन विभाग सर्च ऑपरेशन आरंभ कर किसी स्थान में बाघर पाद चिन्ह वन विभाग कही तेरे ताऊ बाघ स्पष्ट होनी बाघ को ठाब करने वन विभाग चेष्टा जारी रखी बाघ को ठाब करने स्वतंत्र टीम नियोजित कर स्थानीय सरपंच घटनास्थल में पहुंची लोकं आतंकित नाई सबुठ बड़ कथा होघटी वर्तमान पर्यंत का क्षति पहुंचाई बाघ देखादी अंचलटी रेड़ाखोल संरक्षित जंगल थी जंगल को चली जाता अनुमान आम चढ़ेप ग्रामर गोटे लोक मोबाइल रे वीडियो प्रकृत रे सेटा घिची छे जेनटा कि सेटा बाघ है से आम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खबर देजूँ
से माने आसिकरी बाघर सुरक्षा तथा ताके केंती जंगल के बटावे ये से लगी से माने इना तत्पर होकर लगी छन जेते बेले देखले पूरा वीडियो कर दे छन आर तेणु आम आसिकरी समस्ते आम बाघ पटे बाहरी बोली करी समस्ते जानु जो आम फटु रे से बाघ पट का बाघ से आम चिन्ह न पार्बा तार पर आम चपरासी के कहलु चपरासी फरेस्टर को डकाले इन स्टाफ आसिकरी अछन आमर यादे चोड़े पकल लोग आम यादे समस्ते यादे मान थरी जाऊन बाघ बोलवार जिनस देखी नहीं किए तेरे तुरंत बाघ को ठाब करने को लोके दावी कर सुवर्णपुर सत्यवान पुरोहित न्यूज 18 ओडिया। पुरीर राउरकेला समेत सारा देश में आज गढ़ी 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे पताका देखाई शुभारंभ करिछन्ते प्रधानमंत्री आउ एथिपई प्रधानमंत्री को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कृतज्ञता जणाइछन्ते। बीजेडी सांसद सुलता देव राज्यर 7 जिल्लारे रेल चलाचल पदक्षेप नेबाकु केन्द्र निकटरे दाबी करिथिबा बेले कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय एहार टिकेट मूल्य ह्रास करिबाकु अनुरोध करिछन्ते। ओडिशारे गड़िला द्वितीय वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी हावड़ा परे पुरीरु राउरकेला को गड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस नुआ दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरी राउरकेला समेत देशर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रो शुभारंभ करछन्ति। संबोधन में प्रधानमंत्री कहते एहा हेउछि आधुनिक संजोग और बेग भित्तिभूमि विकास एक दृष्टांत वंदे भारत प्रति लोकंक क्रेज बढ़ुछि ए जाए 1,11,00,000 रु अधिक यात्री यात्रा करिछन्ति। वंदे भारत ट्रेन जोगे देशर प्रत्येक अंचल को संजोग करिबा लागि आउ बेसी दिन लागिब नाही एथिसह लोकाल पाई भोकाल हेबाकु आह्वान दैछन्ति प्रधानमंत्री। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। रेलवे को प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब पूरी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेके हर कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं, तो इस संकल्प से इलेक्ट्रिफिकेशन से नई तकनीक की वंदे भारत ट्रेन से जिस तरह से मिडिल क्लासेस को सुविधा मिलेगी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे आयोजित कार्यक्रम रे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख उपस्थित थे। शुभारंभ कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वंदे भारत पाई प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते पूरी रायपुर तृतीय वंदे भारत पाई प्रधानमंत्री को अनुरोध करछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। द्वितीय वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार व्यतीत सप्ताह 6 चलिब पूरी राउरकेला 505 किलोमीटर दूरता को मात्र 7 घंटा 45 मिनिट्रे अतिक्रम कर पूरी सका 5 यात्रा आरंभ कर दिन 12:45 राउरकेलें पहुंच सेहीपरि राउरकेलारु अपराह्न 2:10 छाड़ी राति 9:40 पुरी रे पहुंचिबो। ट्रेन टी खोर्धा रोड भुवनेश्वर कटक ढेंकानाळ तालचेर रोड अनुगुल रेढ़ाखोल संबलपुर सहर और झारसुगुड़ा स्टेशन गुड़िक रहिबो। मु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता देवी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अनेक अनेक धन्यवाद देवी महाप्रभु जगन्नाथ उभयों ऊपर आशीर्वाद जारी रखंतु। आज द्वितीय वंदे भारत एक्सप्रेस एकुला ओडिशा भितरे पुरी रु आरंभ हो कि सकालु दिन 12:30 पूर्वरु राउरकेला रे पहुंचिबो। जे ओडिशा रे जो 7 जिला को केबे रेलपथ छुई नहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री परिकल्पना अछि जे जगा देबे एवं 50% अर्थ मध्य मंजूर करबे आशा करबा ओडिशा वासिंग को पई रेल विभाग एवं माननीय प्रधानमंत्री जदि
शुभदृष्टि रहिबो से सातटा जिला को मध्य रेल प्रकल्प रो संजोगीकरण हबो रेल जोगाजोग हेइ पारिबो टिकट दाम कमै दियो चालो चालो इंडिया देखो समस्त मिसि आसो ओडिसा रो सर्वांगीन उन्नति करबा अरे रेडी तो मारी चलो ए हमरो वंदे भारत ही चालू छे हमरो निश्चित भाव रे निश्चित आमे प्लेन रे प्लेन रो अनुभूति अछि किंतु प्लेन जो प्लेन भलिया अनुभूति एठी हमको मिलुछि सो माने सफा सुथरा पूरा सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़िया अछि ट्रेन रे आसी बहुत एक्साइटेड फील होछि कारण हमें प्रथम बार वंदे भारत रे आछु प्राइम मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देबाक चाहछि कारण तांका पय हम एठी आसी पालु पूरी राउरकेला समेत अन्य जो आठटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रो शुभारंभ होई सेगुड़िक उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुनेलवेली मदुराई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस कसरगोड थिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस एवं जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया वर्तमान समय हुई एक छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा विंगो प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया कटक दशहरा चांदी मेढ क्लब रे शामिल हला निमचौड़ी हर पार्वती पूजा मंडप मेढरे सूक्ष्म तारकसी कारीगरी रो झलक 250 वर्षर पुराना अनुष्ठान सर्वधर्म समन्वय रो मिलन पीठ भावरे जणासणा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला The taste of new India. परिवेशविद और सामाजिक कर्मी को धमक धमक देउछन्ते राजनैतिक दलर कर्मी वेदांत पाई होतवा खणि खनन को विरोध करबा जको बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस कर्मी एई धमक देउछन्ते विभिन्न जन आंदोलन को समर्थन करतवा परिवेशविद प्रफुल्ल सामंतराय समेत नरेन्द्र महांती भालचंद्र षडंगी विरोध में सांबादिक सम्मेलन कर आदिवासी दलित लोकों पाखक जापारे ना प्रत्यक्ष धमक देउछन्ते भुवनेश्वर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में यह धमक को निंदा कर प्रफुल्ल सामंतराय कहते ओडिशार खणीगुड़ी एकाथरके सारी दिया दिजाऊ रोकवाक शांतिपूर्ण प्रतिवाद करिबा जनसाधारण प्रतिवाद को सहयोग करिबा संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवा सहित संध्या बड़बड़ गणेश पूजा मंडप बुली पूजा पाता 55 फुट उच्चर गणेश मेढ़ बुली देखा सहित आयोजक कमिटी सदस्यों उद्यम को प्रशंसा करते अवसर में पूजा कमिटर अनुरोध क्रमे से आयोजक क्लबर आजीवन सदस्य पद ग्रहण करते विशिष्ट कंठशिल्पी प्रणव पट्टनायक भेटिले धर्मेन्द्र प्रधान प्रणव स्वास्थ्यावस्था बुझिले केन्द्रमंत्री शहीदनगर स्थित बासभवन में प्रणव पट्टनायक भेटिले धर्मेन्द्र ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी तथा संगीत निर्देशक प्रणव पट्टनायक डेंगुरे आक्रांत हो घर हस्पिटाल चिकित्सित होते पर से सुस्थ हो घर को फेरी प्रणव होती जन ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी पिला बेलु से गीत गाइबा आरंभ करते अनेक उच्चकोटीर गीत से ओडिशावासी को भेटी से जाजावर कथा कहतु कि शेष श्रावण अनेक मनछुआ गीत से प्रति ओडिया हृदय रही ट्रेन ट्राक को खसला पत्थर और माटी ट्रेन चलाचल ठप कोरापुर जिला मानवर और जर्टी स्टेशन मध्य पहाड़ माटी और पत्थर खसी ट्राक में पड़ू रेल चलाचल व्याहत हो रात तीन कोरापुर आज बमिखाल निकट में जो दुर्घटनाटे घटी जो जड़े डाक्तर जीवन चलीगला से डाक्तर जीवन जीवापर वर्तमान रास्तार खाल एवं गर्त को नहीं बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि कार चालक जड़े डाक्तर थे आदिन पर पूर्व डिसेंबर मसरे निर्बंध होता किंतु ओवरब्रिज निकट में कार दुर्घटन डाक्तर अमित विषय मृत्यु घटी खराब रास्ता दुर्घटन प्रमुख कारण होता पर लोके अभोग आसीटी कैद हो भयंकर दुर्घटन समस्त चित्र राजधानी रे भयंकर कार दुर्घटना निर्बंध पूर्व चलीगला डाक्तर जीवन अधारे रहीगला संसार स्वप्न खालखमा रास्ता पाई अकाल चलीगला जीवन
ଦେଖନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର। ଶନିବାର ରାତି ପାଖାପାଖି 12:30 ବେଳେ ବମିଖାଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ହୋଇଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଲେନୋ କାର୍ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାର୍ର ଉପର ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ବିଶୋଇ। ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବଗଡ଼ରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ଟି ଆପଣ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ରୋଗୀ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଶୋଉଛି, ହଁ ମୁଁ ପାଲା ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘଟଣା। କାଲି ସେ ଖାଲ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଗରେ ଖାଲ ହେଇଛି, ସେ ଖାଲ ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ କରିକି ଆସିକି ଖୁଟିରେ ବାଡ଼ିଛି, ଏ ଦିବାଲି ବାଡ଼ିଛି ସେ ସିଲିଂ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ନାହିଁ ଫାଳେ ପୁରା ନାହିଁ, ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଲେନୋ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅମିତ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ ଅମିତଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର ଥିଲା, ଫେବୃଆରୀରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନରେ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବମିଖାଲ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଅମିତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲା, ମାନେ ମାନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ସ୍ପିଡ୍, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲେ ଗାଡ଼ି, ଜାଣିପାରୁନି ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ପାଣି ହେଇଥିବ ଜାଣିପାରୁନି, ବ୍ରିଜ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ବ୍ରିଜ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଏଠୁ ପୋଲରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଏଠି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖରାପ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ମରାମତି କରାଯାଉନି? ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଫଳକ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ? ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲା କଟକ ନିମଚୌଡ଼ି ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାରିଗରୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମିଳନ ପୀଠ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନିମଚୌଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହରପାର୍ବତୀ। ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂର୍ବେ ଜରିମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଚାନ୍ଦିର ଚମକରେ ଝଲସିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ତାରକସିର ସହର କଟକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ସହରର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଖାସ୍ କରି ଦଶହରା ସମୟରେ ଏସବୁର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ମଣ୍ଡପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ନିମଚୌଡ଼ି ହରପାର୍ବତୀ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ତାରକସିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନୂତନ ମେଢ଼। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମେଢ଼। ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତ କାମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼। ସାହିବାସୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ତାରକସି କାମର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 150 କେଜି ଓଜନ କାମ ହେଇଛି, ଆହୁରି ତାର ସିଂହାସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରାୟ 200 କେଜିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଆମେ ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଏନସିଓର କରିଛୁ କି ଏଠାରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ନ ଲାଗୁ, ମଣିଷର ହାତ କାମ ତିଆରି ହଉ,
ଏବଂ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗେଇକି ଏ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରିଛୁ। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ପରିଚିତ ନିମଚୌଡ଼ିର ଇତିହାସ ବହୁ ପୁରୁଣା। ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠି ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭଗତ ପରିବାରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ହରପାର୍ବତୀ, ପରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନିମଚୌଡ଼ି ପୂଜା କମିଟିରେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯଦିଓ ବାଲୁବଜାରରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମଚୌଡ଼ିରେ ଭଗତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପୂଜା ସାଇ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ସାର୍ବଜନିକ ପୂଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଆସିଗଲା ପରେ, ପୂଜା ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ସାହିର ଇଏ ନାହିଁ, କଟକ ସହର ଭାଇଚାରା ସହର। ନିମଚୌଡ଼ିରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେବା ପରେ ଏବେ କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା 32 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସିଲଭର ସିଟି ନାଁର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।